और चलिए अब रुक करेंगे बुलंदशहर से। एक बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 का इनामी था एक आरोपी। दो बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे। बदमाशों के कब्जे से तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो 25,000 का इनामी बदमाश जिसे बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी सफलता के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक बदमाश जिस पर 25,000 का इनाम था, जो कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश भी थी, आखिरकार उस बदमाश को गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन दो बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे, जिनकी तलाशी की जा रही है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। और अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। कांस होने के बाद शराब के नशे में यह हत्या की गई। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि आरोपी जो भी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई है। कांस होने के बाद शराब के नशे में इस हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन पुलिस दे रही है। तो गाजियाबाद की एक घटना, जहां पर नशे में धुत किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई और उसके बाद हत्या कर दी गई, और इस दोहरे हत्याकांड से हर तरफ सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है वो मामले में जुड़ चुके हैं, और साथ ही जो भी आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द कर ली जाएगी। और अगली बड़ी खबर मऊ से मिल रही है, जहां पर अवैध पिस्तल से हर्ष फायरिंग हुई है। पुलिस वालों पर हर्ष फायरिंग का आरोप है। एक बारात में पुलिस वालों ने हर्ष फायरिंग की है। आपको बता दें, हर्ष फायरिंग एक अपराध है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। अवैध पिस्तल से हर्ष फायरिंग की गई है मऊ में। पुलिस वालों पर हर्ष फायरिंग का आरोप है। एक बारात में पुलिस वालों ने ही हर्ष फायरिंग की। तो आप शादी समारोह की इस तस्वीर को देख रहे हैं, जहां पर पुलिस वालों ने हर्ष फायरिंग की है। कानून ताक पे रखते हुए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि हर्ष फायरिंग एक ऐसी जिसे किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर हर्ष फायरिंग की जा रही है। और बागपत में दुष्कर्म में एक मामले में जिला अदालत ने इतिहास रच दिया है। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिर्फ 5 दिनों में आरोपियों को सजा सुना दी है। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला छपरौली थाना क्षेत्र का है, जहाँ क्षेत्र के बूढ़ा गाँव में 13 सितंबर को 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके परिवार का ही चचेरा भाई बहला फुसला कर खेत ले गया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बाद में बच्ची को बदमाशी की हालात में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया, और अब अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे को इतनी शीघ्रता से निस्तारित कराना बहुत आसान नहीं था, जिसके लिए पुलिस विभाग से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ मौजूद हैं, इनकी तरफ से सहयोग मिला है। एक एक दिन में हमने 4-4 गवाह पूरी नीति के साथ न्यायालय में परीक्षित कराए हैं। 2 दिन में गवाह परीक्षित हुए, 3रे दिन मुलजिम का बयान हुआ, 4थे दिन बहस हुई, और 5वें दिन आज जजमेंट हुआ है।
तो ये उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके सामने। इसके पहले भी 3 केसेस में पॉक्सो एक्ट में पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि चार्ज फ्रेम हुआ, सजा हुई, इसमें आजीवन कारावास हुआ है और 1,00,000 जुर्माना भी हुआ है। और आने वाले समय में भविष्य में भी बहुत जल्दी हम लोग कई और केसेस पे काम कर रहे हैं प्राथमिकता के आधार पर, उसमें भी हम लोग सजा करवाएंगे। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpgangaट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpgangaट्विटर।